हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी जो आई है ये आई है NHPC में। अब NHPC की क्या है, क्या फुल फॉर्म है, क्या इसकी वो है, सभी के बारे में बात करेंगे। किस डिपार्टमेंट में वर्क करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो कि विद्युत मंत्रालय के अंडर आती है। और दोस्तों ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रीमियम हाइड्रो, ये जो है नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड है। और बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है इसमें। 2023 के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। इसमें फ्रेशर्स बिल्कुल डायरेक्टली एलिजिबल है। अगर मैं इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करूं तो सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस इसमें एलिजिबल है। कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, किस क्या क्या क्राइटेरिया इन्होंने मांगा है, क्या सैलरी रहने वाली है, सभी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैं उससे पहले यही बोलना चाहूंगा, अगर किसी कोई चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे अपडेट आपको चैनल पर ऑलवेज मिलते रहेंगे। दोस्तों एक चीज़ और है कि कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ये जरूर मेंशन करते जाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि मैं नेक्स्ट वैकेंसी की अपडेट आपके सामने सबसे पहले और सबसे यूनिक ला पाता हूं। तो जल्दी से जल्दी आप जो है जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर जरूर मेंशन करें। अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है ये बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है NHPC की तरफ से। ये एक दो दिन पहले ही आई है। और ये किस किस के लिए है दोस्तों, ये गेट 2022 और UGC नेट 2021 और जून 2022 में मोटरसाइकिल में और क्लैट 2000 PG में और CA में जो स्कोर आया है उन्हीं के सबके लिए होने वाली है। अगर बात कर लेते हैं इसमें सैलरी की, तो सैलरी इसमें मिनिमम 95,000 के आसपास रहेगी। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल वाले एलिजिबल है। फाइनेंस और HR वालों की बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो उसकी मैं अपडेट नहीं देता हूं। दोस्तों अगर टोटल वैकेंसी की बात कर ले 136 और 41 प्लस 108 और 99 प्लस 14, टोटल मिला के 636 वैकेंसी है जो कि बहुत ही अच्छी ग्रेड पे आई हुई है। दोस्तों अगर देख लेते हैं कि इसमें क्या मांगा गया है सिविल वालों के लिए, जो इन्होंने मांगा है सिविल वालों के लिए, इन्होंने मांगा है कि आपकी डिग्री होनी चाहिए और AMIE मतलब जो डिप्लोमा करने के बाद अगर कोई बंदा प्राइवेट से करता है वो भी यहाँ एलिजिबल है। रेगुलर वाले भी एलिजिबल है और प्राइवेट वाले भी एलिजिबल है। इसी के साथ साथ ऐसे ही सेम क्राइटेरिया बैचलर डिग्री में है और इसी में AMIE का अगर आपके पास है तो वो भी एलिजिबल है। इसके साथ साथ आपने पावर इंजीनियरिंग में कर रखा तब भी आप यहाँ एलिजिबल है। मैकेनिकल वालों का भी सेम क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ मैकेनिकल वालों के साथ मैकेनिकल प्रोडक्शन, थर्मल मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है। CA और फाइनेंस वाले भी देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें क्या कोड दिए हुए हैं, सिविल इंजीनियरिंग के लिए CE, मैकेनिकल वालों के लिए ME और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ई, ये इन्होंने कोड दिए हुए हैं। और ये आइडेंटिफाइड डिसेबिलिटीज़ ये इनकी कुछ हैं, इनमें आप जरूर देख सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स है, ये जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स है HR वालों के लिए, उनके लिए अलग रिक्रूटमेंट है, उसको आप देख सकते हैं। इसके साथ अगर और एक कुछ जो काम की बात बताई जाए, अप्लाई कब से करना है, दोस्तों इसका जो लिंक है ये 5 तारीख से अपडेट हो जाएगा, 5/01 से। तो इसमें आप ज़रूर अप्लाई कर दें। और ये गेट के थ्रू वैकेंसी होने वाली है। इसमें अगर आप फीस की बात कर लेते हैं, सबमिशन की बात कर लेते हैं, तो ये जनरल और EWS वालों के लिए 295 रहने वाले हैं और SC ST और PWD कैंडिडेट वालों के लिए फ्री रहने वाला है। और ये जो है ये दिसंबर 2021 में नोटिफिकेशन आया है, ये 30 दिसंबर को आया है। और इसको क्या है 5 जनवरी से लेके आपको 25 जनवरी तक इसको अप्लाई करके आगे बढ़ जाना है। अगर बात कर लेते हैं इसके लिंक की, सारे लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। डेट ऑफ ओपनिंग 5 जनवरी और 25 जनवरी रहने वाली है। दोस्तों ये थी नोटिफिकेशन। दोस्तों अब आई बात लिंक की, कोई भी लिंक और आपको मैंने 2 से 3 वीडियो, अगर किसी को अर्जेंट हायरिंग की जॉब अपडेट चाहिए, अर्जेंट हायरिंग की, तो वो भी आप एक जरूर बताइए, मैं अर्जेंट हायरिंग की जॉब अपडेट आपके सामने सबसे पहले सबसे जल्दी लेके आऊंगा। तो अर्जेंट हायरिंग के बारे में भी बता दूंगा। और अगर कोई एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, जो कोई है अगर किसी को सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, अगर किसी को इन ब्रांचेस हैं, अगर इनमें किसी के पास 3 to 5 years का एक्सपीरियंस है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि वो हेड ऑफिस के लिए है, तो अगर किसी के पास है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में 5 साल का एक्सपीरियंस, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो मेरे को इंस्टा पे कमेंट करे, इंस्टा पे DM करे और अपना CV भेजे इंस्टा पे, या फिर थ्रू मेल भेज सकता है, तो मैं उनका आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। मैंने बता दिया है 3 to 5 years का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गर्ल्स का। आप पैन इंडिया में कहीं से भी हो, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये मेरे को इंस्टा पे करें, और इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये ही वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेबल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।